श्री राम भाई साहब, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम विश्वामित्राय नमः, ओम जय श्री राम। कहाँ से हो? मैं रेडिंग से, बैंगलोर से, ओरिजिनली इंडिया से। ठीक से बैठ जाओ। पहली बार आए हैं? पहली बार लेस्टर में, बाहर मिले थे आपको। ओके साधु जी, जय सीताराम। साधु जी सीताराम, साधु जी जय श्री राम। हमने लिख लिया, आप प्रश्न करिए। क्या प्रश्न है बालाजी? हम राम जी को बचपन से बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छा, करना ही चाहिए। और विश्वामित्र महर्षि पता नहीं हैं, बहुत कनेक्टेड है। वाह। और हनुमान जी तो मेरा यहाँ है। आपको एक बार हनुमान जी जो राम को गले लगे थे ना, मैं लगा रहता था घर में, आपको लगाना चाहता हूँ। नहीं तो आपके पैर छूना चाहता हूँ। और राम का पादुका और शालिग्राम लेके आया हूँ। वाह, आशीर्वाद। तो कोई प्रश्न का उत्तर भी पाएंगे क्या हमसे? लेकर प्रश्न का उत्तर क्या पाना चाहते? मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोचते। जो मनुष्य मन जो है आध्यात्मिक में हो तो सात्विक में रहता हूँ, लेकिन चंचल, थोड़ा चंचल। कोई बात नहीं, और कुछ पूछेंगे? इस पता नहीं इस शरीर कब तक रहेगा, आपके जैसे सेवा करने चाहता हूँ। ठीक, हमने ऐसा लिखा, साधना चाहते हैं, सफल होगी, समाज सेवा करेंगे, जीवन लक्ष्य प्राप्त होगा, दरबार से ही शक्ति कृपा होगी। जो प्रश्न लेकर आप आए हैं, आशीर्वाद है। जय श्री राम, जय विश्वाम। बराबर बराबर। वासना सता रही है वर्तमान में, वासना से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, गंदे विचार, चलचित्र आ रहे हैं गंदे गंदे, यहाँ तक कि भगवानों के प्रति भी गंदे भाव आ जाते हैं। वह अति से ज्यादा वासना में मन विचलित हो गया है। यही कोई आपका ढाई वर्ष हो गया, 2 साल 7 महीना हो गया है। पहले बहुत मन लगता था, भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हो एवं समाज सेवा करना चाहते हो, ऐसी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहते हो जिससे समाज की सेवा करें, उसके लिए बीच में आपने अनेक गुरुओं की साधनाएं व मोबाइल से द्वारा बताई गई यूट्यूब की साधनाएं आपने की हैं, पर उनका रिजल्ट 0 नहीं मिला है, इसलिए मन विचलित हो गया। बहुत सही है, बहुत सही है। बराबर, राम के नाम पे सही है। अब हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि तो हम यूट्यूब देवी एवी के चक्कर में, तो ठीक ही है, अब हम बोलेंगे नहीं। बाकी तो मैं जिंदा देवी भी बहुत परेशान कर रही है। कैसे साधु जी जैसे हम बताएंगे, ऋषि जी जैसे कैसे की और कैसे मन कांस्टेंट? तपस्या करो, आपको साधना की विधि हम देंगे, पर अभी नहीं, अभी आप अपात्र हो। अगली बार जब हम आएंगे फिर आप हमें मिलिएगा, या फिर आप भारत आइए मिलिएगा। अपात्र इसलिए हो क्योंकि अभी वासना बहुत बढ़ गई तुम्हारी, और अभी अगर हमने दे दिया तो हमारे पास तो एटम बम है, अगर पासवर्ड गलत हो गया फट जाएगा। हाँ, और फट गया तो पागल हो जाओगे। इसीलिए हनुमान जी की साधना बहुत कठोर होती है, इसलिए आप अभी पहले वासना पर कंट्रोल करो। वासना पर कंट्रोल मेडिटेशन से होगा। ध्यान, ध्यान में उतरिए, चलचित्र देखना बंद कर दीजिए। एक दो गंदे लोग जुड़े हैं जो वासना के ही मैसेज करते रहते, उनसे नहीं बातें करनी है, क्योंकि हमने तुम्हारी चैटिंग पढ़ ली है तो है दूसरी भाषा में चैटिंग, लेकिन चैटिंग और सेटिंग दोनों खराब हैं तुम्हारी। हाँ, बुरा मत मानिए, हम साफ बोलते हैं, क्योंकि हम देखो भाई जो कहते हैं मुँह पे कहते हैं, तो तुम बहुत ठीक ठाक नहीं हो आदमी। नहीं, बहुत बहुत कनेक्टेड हो तुम, उनके वंशज हो, और पूर्व के तुम साधना साधक हो, पूर्व जन्म के, इस जन्म के भी नहीं। या या या, वो भी गलत सोच दिया बहुत ज्यादा। हाँ, फिर ऐसे 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 आता हूँ अब, लेकिन अब ये हाथ में ले लो, हम भगवान हैं, अब आपको ऐसा करना नहीं है, हमारा आशीर्वाद है, हनुमान जी दया करेंगे, भक्ति करो, ये विचार दूर करो और रोज जाप करो नाम जप का, आज से ही तुम्हारे विचार बदलने लगेंगे। जाओ, हनुमान जी महाराज ऐसी दया करेंगे, आशीर्वाद है। हाँ, पैर छूरो, गले नहीं लग पाएंगे हम आपके। कुछ रहो, कल्याण हो। देखो जो है हम सांप कह देते हैं, बताओ। जय हनुमान जी। भाई साहब तुम्हारी जय हो, तुम बहुत बदमाश हो। हाँ, आने दीजिए अगला।
जय श्री राम। इस बालक को नहीं, फुल टी शर्ट वाला बालक को बुलाओ। हाँ, ऐसे नहीं आना है, अपने मन से थोड़ी आना है, जिनके वाईफाई में सिग्नल है उन्हीं के आना, नहीं तो उल्टा पर्चा बन जाएगा। अभी उनका दिमाग खराब हो जाए, ना जाने क्या बता दें तुम्हारा। हाँ नहीं नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं फुल टी शर्ट का बालक। हाँ इसको आने दीजिए। जय श्री राम। साधु जी बोलो बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हर हर। आइए आइए आइए, माइक लीजिए। कहाँ से हैं, मुंह खोलिए। यहीं रहते हैं गुरुजी। यहीं क्यों? अच्छा, हमारी भाषा आ जाती तुम लोगों को समझ में? बड़ी कृपा है ये तुम लोगों का आशीर्वाद। हाँ, जय श्री राम। अरे राम, आप आ तो जाओ जब तक, नहीं तो नहीं नहीं हाँ तुम भी आ जाओ बिटिया। नहीं 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 वो बिटिया आ रही है, जो आ रही है। अब पीले वस्त्र पहने बहन जी, बहन तुम भी खड़ी हो जाओ। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, लो बोलो। गुरुजी सीताराम। हाँ बोलो, क्या समाधान पाना चाहते हो? गुरुजी तीन थोड़ा सा, मेरा तो पहला ये है, दो ले, दो पूछ लो कोई भी। ठीक है, पहला ये है कि मेरे को मतलब शारीरिक झटके वगैरह लगते हैं। और बोलो। और दिक्कत है बहुत ज़्यादा, बहुत समय से प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया। सेकंड। और दूसरा ये है कि एक बहन है, रोशनी नाम है उनका, एक बहन है रोशनी नाम है उनका, उनकी शादी कब होगी ये पूछ रहे थे। पहला तो अपना ही थोड़ा सा, पहला तुम्हारा है। शरीर में दिक्कत, पूरे शरीर में झटका बनता है, तंत्र का कारण भी है व ब्रेन की समस्या भी है। दो कारण हमारे में आई हैं। आराम लग जाएगा, पूर्ण ठीक होगा, औषधि काम करेगी। बहन का विवाह 2024 में घर से उत्तर दिशा में संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है। गंदा प्रेत बाधा है। मुट्ठी बांधना जरा। नहीं छोड़ना नहीं, वो मार जितनी लगे उतना अच्छा। तुम एक काम करो, सामने बैठ जाओ हमारे, प्रेतराज सरकार का दरबार हम लगा रहे हैं, बुला रहे हैं।